स्टेप है। अभी देखिए ये पोल रिस्पॉन्स का अलार्म आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से एक्नॉलेज कर फ्रिज कर देते हैं। थर्ड स्टेप जो है हमारा डिफाइन में जाएंगे, यहाँ पे हमारा एक्सेस एरिया, एक्सेस एरिया में ऐड करते हैं। एक्सेस एरिया में जब हम इसको जब तक हम इसको एक्सेस एरिया में ऐड नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेस लेवल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए एक्सेस एरिया में ऐड करने के लिए ऐड ब्रांच में जाएंगे, अपने पैनल का जो भी नाम हम देना चाहेंगे मेन पैनल दे देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड एंट्रेंस में जाएंगे, ऐड कर देंगे इसको, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमारा स्टेप वन का हमारा कंट्रोल एरिया का है, स्टेप टू में हमारा ये सॉरी स्टेप वन में हमारा डिवाइस मैप है, स्टेप टू में हमारा कंट्रोल एरिया है, और स्टेप थ्री में हमारा एक्सेस एरिया में है। देखिए इस सीरीज में रहेगा हमारा। तो ये हम अपने तीनों एरिया में हमने अपने पैनल को कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो आता है ऑप्शन हमारा कार्ड में जाके एक्सेस लेवल क्रिएट करना होता है। ये देखिए हमारा एक्सेस लेवल में हमारा ये पैनल आ गया है। अब पैनल को क्या है हमें एक्सेस देना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फिगर में जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है देयर आर नो एक्सेस लेवल डिफाइंड, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एन एक्सेस लेवल यू मस्ट फर्स्ट एड एन एक्सेस लेवल। तो हमें यहाँ पे एक्सेस लेवल ऐड करना पड़ेगा, ऐड पे क्लिक करते हैं, ऐड करने क्लिक करते हैं, सपोज एक्सेस लेवल वन, यहाँ पे ACESSLEVEL एक्सेस लेवल ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नाम ये एक्सेस लेवल ही डाल देते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन सब अकाउंट में नहीं आ रहा है, ओके पे क्लिक करनी है, बोल रहा है एटलीस्ट वन सब अकाउंट शुड बी असाइन टू एन एक्सेस लेवल, एटलीस्ट वन सब अकाउंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो नहीं अभी यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे, एडिट सब अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं एक अकाउंट, ऐड कर देते हैं, सब अकाउंट नेम हम डाल देते हैं उजासो, पासवर्ड में हम डाल देते हैं ईमेल और फैक्स छोड़ देते हैं। ये हमारा एक सब अकाउंट ऐड हो गया है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सेस लेवल ऐड करेंगे, एक्सेस लेवल में ऑल एक्सेस कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम यही डाल देते हैं, ऑल एक्सेस ही डाल देते हैं, सब अकाउंट ऐड है, ओके कर देते हैं, एट लीस्ट वन सब अकाउंट शुड बी असाइन टू एन एक्सेस, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी ये हमारा ऑल एक्सेस आ गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये जो मेन पैनल का हमारा रीडर है, राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फिगर करते हैं, ये हमारा सेट एक्सेस फॉर दिस एंट्रेंस कर देते हैं, तो ऑलवेज ऑन में हमारा ये आ गया है, कर देते हैं, ये हमारा ऑलवेज ऑन आ गया है, मतलब ये हमने इसको एक्सेस दे दिया है। कॉन्फिगर करते हैं, एक्सेस दे देते हैं, ये हमारा एक्सेस हो चुका है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ सारे स्टेप। एक ये हो गया है, फर्स्ट स्टेप में हमने डिफाइन यहाँ पे डिवाइसेस में जा करके डिवाइस मैप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमारा कंट्रोल एरिया, ये हमारा सेकंड स्टेप था, इसमें हमने मेन पैनल ऐड किया हुआ था। थर्ड स्टेप में था मेरा एक्सेस एरिया, जहां मैंने ये अपने रीडर्स को ऐड किया था। तो ये है चार स्टेप, चार स्टेप में हम अपने पैनल को ऐड करते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में जाते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं, कंट्रोल मैप में जाते हैं। ये हमारा पैनल आ गया है, पैनल में देखिए मेन पैनल आ गया, हमारा एग्जिट स्विच आ गया है, मैग्नेटिक कंट्रोल आ गया, ईएम लॉक आ गया है, हमारा बजर आ गया है, और ये हमारा रीडर